సార్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన కాడికి ఇప్పుడు సురేష్ మండల్ గారు చెప్తున్నటువంటి మాట సో ఒక దళితుడు సీఎం గా ఒక యాడాది పాటు ఉండలేక అతని మీద అవినీతి ఆరోపణలు లేచి అతన్ని తొలగించినటువంటి సమాజం అంతో ఇంతో ఏది కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొటెక్షన్ ఉన్న గ్రూప్ అది ఆళ్ళనే ఓర్చుకోలేనటువంటి వ్యవస్థ బీసీలను ఓర్చుకుంటుందా చాలా కష్టం కానీ బీసీలు చైతన్యవంతమైతే అందరూ కూడా లైన్లో పడతారు ఇప్పుడు ఏమైంది 1960 లో నీలం సంజీవ రెడ్డి గారిని ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్ గా చేశారు ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్ గా 1960 లో చేయాల్సి వచ్చింది చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎవర్ని పెట్టాలి చీఫ్ మినిస్టర్ గా అనేప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో దామోదరం సంజీవ గారిని పెట్టారు యాక్చువల్లీ నీలం సంజీవ రెడ్డి గారు ఆయన రెడ్డి వర్గానికి సంబంధించిన వ్యక్తిని పేరు సూచించారు కానీ ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ ఇందిరా గాంధీ అంటే అప్పుడు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఉన్నారు సో వాళ్ళు ఒప్పుకోకుండా సంజీవయ్య గారిని పెట్టారు సో సంజీవయ్య గారిని పెట్టిన తర్వాత ఈయన నీలం సంజీవ రెడ్డి గారి టర్మ్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఆయన వెనక్కి వచ్చాడు మళ్ళీ ఆయనను చీఫ్ మినిస్టర్ చేయాలి కాబట్టి ఈయన మీద ఒక అవినీతి ముద్ర వేసేసి దాని మీద ఇంక్వైరీ చేసినారు పాపం ఆయన ఆయన అంత నీతి నిజాయితీకి నిదర్శనం ఇంకొకరు దొరకరు అట్లాంటి వ్యక్తిని కూడా పక్కన పెట్టి మళ్ళీ నీలం సంజీవ రెడ్డి కావాలి అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆయన పోయినాడు 67లో ఆయన కర్నూలు బస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆపరేటర్స్ ఇష్యూ మీద ఇష్యూ జరిగింది సో అప్పుడు ఆయన రిజైన్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే హైకోర్టు స్ట్రిక్చర్ పాస్ చేసింది ఆయన సో రిజైన్ చేసినాక ఎవరిని పెట్టాలి అంటే మళ్ళీ కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డిని తీసుకొచ్చారు సో దిస్ ఈజ్ హౌ తెలంగాణ ఆంధ్రాలో ఏంటంటే ఒక వర్గం తన వాళ్ళ తప్ప ఇంకొకరిని పెట్టుకుంటే ఓర్వదు ఈ విషయం తెలిసి శివశంకర్ గారికి ఒకసారి అవకాశం వచ్చిన ఆయన వదులుకున్నాడు చీఫ్ మినిస్టర్ చేయను అని చెప్పేసి సో ఎందుకంటే ఇక్కడ సర్వైవ్ కానివ్వరని బట్ ప్రజలు చైతన్యవంతులై బీసీ ఎమ్మెల్యేలు ఎక్కువ నంబర్లో వస్తాయి ఇప్పుడు మనం చూస్తే 52లో బీసీ ఎమ్మెల్యేలు 11 మంది ఉన్నారు ఈరోజు 19 మంది ఉన్నారు ఏం తేడా ఉంది అప్పుడు 102 ఇవాళ 119 అసెంబ్లీ స్థానాలు 52 हम तो बात कांग्रेस के भी करते हैं कांग्रेस प्रॉमिस किया हुआ था एवरी लोकसभा इन तेलंगाना 2 BC को टिकट देंगे और तो 17 × 2 = 34 होता उन्होंने दिया 21 में 3 सीट्स ऐसे हैं जो ओएसी के एरिया इन्फ्लुएंस में है वहाँ नॉर्मली उसी नहीं, नहीं, नहीं उधर भी नहीं साहब इधर वो हैदराबाद रहते हैं उसमें एमआईएम रहते पूरा वो माइनॉरिटी लोग रहते हैं मुस्लिम परिवार उसमें चार मीनार डबीरपुरा याकूतपुरा में देते हैं और सिर्फ नंबर को खाली नंबर बढ़ाने के लिए वो भी नंबर बढ़ाने के लिए ये जीत के इनको संसद में लाने के लिए नहीं है वो नहीं मैं एक आपके माध्यम से दर्शकों को भी बोलना चाहता हूँ कि ये जो इशू सर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का जो और आगे रोहिणी कमीशन का भी जिक्र आएगा फॉर बैकवर्ड क्लास हमारा जब कोटा फिल कर दीजिएगा फिर बात आएगी कि एक कम्युनिटी ने अधिक ले लिया दूसरा बिना कास्ट सेंसस के कोई डेटा नहीं इवन एससीज में जो कास्ट सेंसस होता है दैट इज जस्ट अ कास्ट सेंसस इट इज नॉट दैट इज जस्ट एससी सेंसस नॉट डिफरेंट कास्ट्स तो इसको जब तक लोग जो है ये जो एकजुट हो रहे हैं अभी उसको तोड़ने का प्रयास है आप जैसे लोग या बाकी हमारे कई साथी हैं जो मैं हैदराबाद कई बार आया हूं तो बैकवर्ड क्लासेस के लोग सजग हैं लेकिन वो यूनिटी जो अगर आ जाए तो फिर यहां बैकवर्ड क्लासेस की ताकत बहुत बढ़ जाएगी यूनिटी लाना कैसा है यूनिटी इश्यूज पे आएंगे ना कैसा क्या क्या मुद्दा उठाना पड़ेगा पहला तो कास्ट सेंसस पहला मुद्दा है दूसरा हम समझ रहे हैं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एडुकेशन में जो लोगों पर अटैक हो रहा है देखिए बिना एडुकेशन का कोई कम्युनिटी आगे नहीं बढ़ता है दलित कम्युनिटी को कुछ नहीं था तो वो एडुकेशन में गए जो भी दलित के कास्ट एडुकेशन में गए वो अधिक राइज किए जो नहीं गए कम राइज किए विद इन दलित तो ओबीसीज को भी अब वो उनको जमीन थोड़ा है कहीं पे उनको गाय है भैंस है तो वो पढ़ाई नहीं करते और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं और ऑडियंस को भी जानना चाहिए
गवर्नमेंट फंडेड एडुकेशन को ये सरकार समाप्त कर रही है और उससे क्या होगा कि आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। वी आर नॉट प्रिविलेज्ड, हम लोग को बहुत पैसा नहीं है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फीस मैटर करती है। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बता रहा हूँ, आई हैव अ प्रोग्राम विथ यू ओनली इन हैदराबाद यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट शुड नो कि फीस दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनुअल एवरी देर आर 80 कॉलेजेस इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नॉर्मल फीस इज 13,000 पर एनम, यानी लगभग 1,000 पर पर मंथ। इसको हिंदू कॉलेज ने बढ़ा के 84,000 किया है। एक दौलतराम का ये सब फंडेड है, 90% फंड्स 95% कम फ्रॉम यूजीसी और 5% फ्रॉम द ट्रस्ट, तो एवरी सैलरी इज पेड बाय यूजीसी गवर्नमेंट। तो वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट इज सेइंग वी विल नॉट फंड यू। तो जेएनयू ने अनाउंस किया कि हम अपने प्रॉपर्टीज को बेचेंगे। किसको बेचेंगे, तो अडानी खरीद लेगा। अब जेएनयू में कौन लोग निकल के, अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन, शी इज फ्रॉम जेएनयू, देयर आर मेनी, जेएनयू इज एनीवे द वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज। आप वो बेच रहे हैं तो आपके बच्चे कहाँ जाएंगे। उसका एडमिशन पॉलिसी ऐसा है, आपके आंध्रा के भी तेलंगाना के भी जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं वो वहां से पास करके बड़े बड़े अफसर्स बने, लेकिन अब वो नहीं बन पाएंगे। तो हम और आप अगर एडुकेशन को नहीं बचाएंगे, दैट और वो मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट। और उसके साथ साथ जो थर्ड प्लेस में मैं समझता हूँ ये वो है कि जो हम लोगों का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन इन एवरी फील्ड, मंडल कमीशन, आज मंडल जी की जयंती है तो मैं शुभकामना भी देता हूँ आपके माध्यम से, और तमाम जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनको मैं मंडल कमीशन का प्रोविजंस बता रहा हूँ। दो रिकमेंडेशन सिर्फ लागू हुए हैं, वन इज 27% ऑफ रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन जॉब्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की नौकरियों में 27%। और दूसरा है जो अर्जुन सिंह ने लागू किया, इन ऑल हायर एडुकेशन IIM IITs एम्स 27% रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ये सबसे चिंता का विषय है, RSS एंड अदर्स आर वेरी एंग्री अबाउट कि ये पढ़ लेंगे तो क्या होगा। तो दे आर अटैकिंग एडुकेशन मोर। ऑफिसर्स को तो कुछ को सर तो IAS अफसर रहे हैं, पता है कोई बिक जा सकता है, लेकिन एडुकेटेड जब बड़ी संख्या में लोग आने लगेंगे तो वो ये जो इसके अलावे जो रिकमेंडेशन है, एवरी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट 27% शुड गो टू OBCs, एवरी आउटसोर्स्ड जो प्राइवेट कर रहे हैं उसमें भी 27% फॉर OBCs एंड 22.5% फॉर SC/ST। ये मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस, लैंड क्वेश्चन को, लैंड एक ही आदमी के, खुद बीपी मंडल बड़े जमींदार थे, बट द रिकमेंडेशन सेज कि द लैंड शुड बी इक्वली इक्विटेबली डिवाइडेड। तो अगर किसी के पास बहुत है तो वो है। उसके अलावे भी जितने सारे जो नए नए एवेन्यूज हो रहे हैं उसमें बैकवर्ड क्लासेस को जगह मिलनी चाहिए। सो ये सारी चीज हो जाएंगे तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए हम और आपकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, दे विल राइज। बट बुरा ना माने तो एक बात कहते हैं, जब तक ये पिछले 5 साल तक बीपी मंडल है कौन पता नहीं है इन लोगों को, बीपी मंडल है कौन पता नहीं है हमारा ओबीसी परिवार को। क्या हुआ ये तेलंगाना आंध्रा में, तेलंगाना आंध्रा में 1972 से रिजर्वेशन से स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट में 93 से इम्प्लीमेंट कर रहा है ये ओबीसी रिजर्वेशन। सो इसलिए मंडल का इधर इतना पॉपुलरिटी नहीं करे, क्यों बोले तो ओबीसी में पढ़ना लिखना बोले तो बहुत बड़ा मुश्किल का काम समझते, दे डोंट नाइदर रीड नॉर राइट, दैट इज द प्रॉब्लम विद द ओबीसी कम्युनिटी। नाउ वी हैव टू डेवलप सच काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस अमंग द ओबीसी, बट नाउ यू विल सी मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर दे आर हैविंग मंडल स्टैचूस नाउ। कहाँ भी जाओ अभी देखो मंथनी में है, कहाँ नलगोंडा में है, एवरीवेयर देयर इज बिकॉज दैट कॉन्शियसनेस राइजिंग ड्यूरिंग लास्ट डिकेड ओनली, लास्ट वन डिकेड। वन थिंग आई वांट टू शेयर दैट व्हेन मंडल जी जब थे तो वो हैदराबाद में उनकी बड़ी सभा हुई थी कमीशन के लिए, और जब रिपोर्ट इम्प्लीमेंट सबमिशन का समय था तो पावर बदल गया था, जनता पार्टी गवर्नमेंट से हट गई थी और कांग्रेस पार्टी केम टू पावर।
पी शिवशंकर हैड अ ग्रेट रोल यस पुंजाला शिवशंकर पी शिवशंकर साहब हैड सपोर्टेड मंडल जी सो एंड मंडल जी वाज वेरी क्लोज टू पीपल इन आंध्रा और वो मैं पर्सनल एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ टैबलॉइड जैसे होता है ना छोटे अखबार तो मैं स्कूल में पढ़ता था मंडल जी के साथ बैठा हुआ था तो वो आंध्रा के तेलुगु भाषा में दो तीन अखबार में उनका फ्रंट पेज पे फोटो था तो मैं उनको पूछा कि ये तो बोले कि ये आंध्रा का अखबार है वहां से मतलब टैबलॉइड है छोटा अखबार था और बोले कि वो साउथ में तो लोग समझते हैं बैकवर्ड क्लासेस का नॉर्थ में नहीं समझते एट दैट टाइम अब तो नॉर्थ में भी समझ रहे हैं लेकिन यूनिटी बहुत बड़ा क्वेश्चन और मैं अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से आप जैसे लोग हैं सर हैं और भी हमारे जितने साथी हैं आज भी कई सारे प्रोग्राम्स हैं सभी लोगों को एक यूनिटी के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा ऑन इश्यूज एंड इवन इफ यू आर गेटिंग अ प्लेस और ही इज गेटिंग वी शुड नॉट बी वेरी सैड अबाउट इट अगर सबसे सीट्स तो यू आर जिसको कहते हैं सीट्स का बात नहीं है सर नहीं सब प्रिविलेज पोजीशन खाली सीट्स का बात नहीं है साहब अगर ये पेपर देखो सर ये तेलुगु लोकल वेरी पॉपुलर न्यूज़पेपर है ये डेली इसमें पूरा फ्रंट पेज रहते ना ये न्यूज अपर कास्ट का है ये 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 एससी का है ये तो पूरा अपर कास्ट का कब्जा में जो है वो का ये कहाँ है साहब ओबीसी का न्यूज कहीं नहीं है साहब ये की नहीं है तो आप दूसरा पेपर भी देख सकते हो कभी दूसरा पेपर भी देख सकते हो इसमें भी वही चलेगा इनका उनका खाली इधर इनका सिद्धू आउट इनको ओबीसी को वो निकालने के वो है ऐसा पूरा तेलंगाना में आंध्रा में हमारा न्यूज़पेपर हमारा नहीं है वो मीडिया हमारा नहीं है वो पावर हमारा नहीं है वो जॉब्स हमारा नहीं है प्राइवेट कॉलेजेस हमारा नहीं है खाली है बीसी ओबीसी लोग इधर वोट देना टैक्स बनाना टैक्स पे करना खाली इतना है सब ये बात हम लोग कहे तो हमारा पार्टी और अपर कास्ट लोगों को गुस्सा आ जाएगी तो आने दो हम क्या करते हो कितना साल देखना पड़ेगी ऐसा नहीं आप जो बोले ना मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा राहुल जी का मैंने इस ग्रेजुएट चुनाव में लड़ा था मुझे हराना के लिए ये पूरा पार्टी छोड़ के सभी अपर कास्ट पार्टी छोड़ के मेरा खिलाफ पैसा खर्च किया मेरा खिलाफ प्रोपेगंडा शुरू किया वो सभी किया मगर मुझे अभी जीत के आया तो ओबीसी परिवार ने भिक्षा दिया मुझे इनके लिए लड़ाना पड़ेगी मुझे अभी मैं बता रहा था कि जो न्याय यात्रा था राहुल जी हाँ तो हम लोग इनपुट्स दे रहे थे सोशल जस्टिस इश्यूज पे तो वो हम उनको बार बार कह रहे थे कि रिप्रेजेंटेशन अपनी पार्टी में भी आप दीजिए हमारी बात अच्छी नहीं लगेगी वो ఇప్పుడు అదొక లిస్ట్ ఉంటుంది చూడండి ముఖ్యమంత్రి ఇది అది అది ఇల్లు కానీ ఉంది ఒకటి ఉంటుందిగా అది పంపియా तो वो मैं आप सही कह रहे हैं और चूंकि आपका विरोध इसलिए हो रहा है या हुआ देनो कि हु कैन स्पीक हु कैन पुट द मैटर बिफोर द पीपल अगर कोई जस्ट रबर स्टैंप रहे उसका विरोध नहीं होगा वो बोलेंगे ठीक है चलो ये कोई इनो अच्छा आदमी इनको देना है ये देना है वो देना है इनका इनका इनको गिन के सबको दिखाना है यही है अंदर की शरारतलो పెన్నుతో మీకు మంచి సోపతుందా తెలంగాణ యాసలో ముచ్చట్లు రాయడం మీకు తెలుసా మీలాంటోళ్ళని ఎత్తుకుతుంది మా క్యూనిస్ మరి ఆలస్యం చేయకుండా మాకు ఫోన్ చేయండి 8688 9268 4 లైక్ చేయండి